तो इनकी हालत तो आज बहुत खराब है भाई। ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम, ऑस्ट्रेलिया 2015 में लास्ट जीती थी वर्ल्ड कप और 11 में जब भारत अपने घर पर जीता। तो देखिए मैंने सब्जी फ्राई कर दी है और अभी से ही बहुत यम्मी लग रही है। अभी ओए लंगड़ लंगड़ के कहाँ जा रहे हो? एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। मैं हूँ प्रणाली और मेरे हस्बैंड का नाम है धीरज पाटिल और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। तो इनकी हालत तो आज बहुत खराब है भाई, क्योंकि इनके पैरों में इतना दर्द हो रहा है ना। दिखाओ चल के तो दिखाओ। तो अभी ठीक नहीं हुआ है, बाम वगैरह लगा लगा के काम चल रहा है अभी। तो देखते हैं अगर आज इनको ज्यादा ही लगा तो फिर इनको लेकर जाऊंगी डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि ये जाने के लिए बिल्कुल पता नहीं इनको डॉक्टर के यहाँ जाना क्यों नहीं अच्छा लगता है, बहुत मनाना पड़ता है भाई। तो अगर अभी अच्छा नहीं लगा ना आज तो फिर आज जाएंगे। तो अभी फिलहाल घर के काम वाम तो अभी बचे है, किए नहीं है। और अभी मैंने एक्सरसाइज कर ली है, अपना रियाज हो गया है। और मेरे हस्बैंड आज संडे है तो जिम उनको जाना नहीं है, और वैसे भी उनके पैर में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो नहीं जाएंगे अभी। तो मैं अभी बना रही हूँ अपने लिए नाश्ते में पोहा। तो हम पोहा का मैंने फ्राई कर दिया है ऑलरेडी, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो पोहा खाते हैं मस्त बाहर बाहर बैठ के। तब तक हमने लगा ली है न्यूज़ आज तक वगैरह पे, तो वो देखे जा रहे हैं, अपना काम भी किए जा रहे हैं। तो चलिए पोहा रेडी करते हैं और बाहर चलते हैं। तो देखिए पोहा मैंने भिगो दिया था, आलू मैंने फ्राई तल लिए हैं और इधर ये मसाला रेडी हो चुका है। मुझे ना थोड़े से ऐसे ही प्याज अच्छे लगते हैं पोहे में, मतलब थोड़े अदरक अच्छे। तो अभी इसके अंदर मैंने डाली है राई, जीरा खत्म हो गया है, जीरा लाना पड़ेगा, जीरा नहीं डाला अभी। तो इसके अंदर अभी मैंने डाली है राई और प्याज, मिर्ची, कड़ी पत्ता, बस इतनी चीज़ें डाली है। इसको मैंने थोड़ी देर अच्छे से भून लिया है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी हल्दी और नमक और फिर डालेंगे हम लोग हमारा पोहा। देखिए मैंने ना ऐसा नया सेटअप किया है, मैंने यहाँ पे ये जो बॉटल्स लाई थी, एक्चुअली मैंने इसको दूध रखने के लिए लाई थी लेकिन वो दूध तो मैं इसमें रख नहीं पाती हूँ। तो अभी मैंने ना इसको पानी भर के रख दिया है इसमें, मतलब कभी भी हमको कुछ भी ज़रूरत पड़े तो हम यहीं से सीधा पानी ले लें। और कुछ इस तरीके का सेटअप किया है, आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कॉमेंट्स करके बताना, ठीक है। ये केटल यहाँ पर है ना तो इसका यूज़ होगा, क्योंकि हम इधर रखती थी मैं यहाँ पर तो उसका उतना यूज़ नहीं हो पाता था। यहाँ पे मैं कुछ भी गरम वरम करना रहा तो मैं फटाक से इसमें कर सकती हूँ अभी। और किचन तो मैंने रात को ही क्लीन किया था तो क्लीन ही है, कोई बर्तन वर्तन नहीं है। अच्छा कपड़े ना मैंने सुबह ही धो के डाल दिए हैं तो वो बाहर मैंने सुखाने के लिए भी डाल दिए हैं। तो पोहा भी रेडी हो चुका है तो चलिए अब हम लोग पोहा खाते हैं। ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम, ऑस्ट्रेलिया 2015 में लास्ट जीती थी वर्ल्ड कप और 11 में जब भारत अपने घर पर जीता, 15 में अपने घर पर जीता, 19 में अपने घर पर कौन जीता, इंग्लैंड। तो अब उसी लिहाज से इसमें भारत जीत सकता, ऐसा चलना पड़ रहा है देखो इनको। कप्तान विलियमसन है, हालांकि टॉम लेथम ने बाहर चलते पानी की थी और किस जबरदस्त अंदाज से शनिवार इन्होंने, कैसा लग रहा है बताओ। आज फल्ली दाने, कल ही अपन ने वो साबूदाना बनाया था तू भी नहीं था ना, अच्छा है चलो खा लो। ये सुबह मैंने ना कपड़े वगैरह धोकर डाल दिए थे इधर ही, ज़्यादा कपड़े थे ही नहीं आज। गाइस तो अभी दोपहर हो चुकी है, आप देख रहे हो ऊपर टाइम 12 बजने वाले हैं, सॉरी 12:15 हो गया है। और ना मेरे हस्बैंड सो रहे हैं तो मैंने उनको उठाया नहीं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। और नाइट ड्यूटी होती है ना तो फिर उनकी नींद भी नहीं होती इतने अच्छे से, इसलिए वो अभी सो रहे हैं। और मैंने यहाँ पर आज का लंच बनाने के लिए काट ली है ये वाली फली जो कल हम लोग लेकर आए थे। तो अभी पहले मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहाती हूँ उसके बाद खाना बनाएंगे हम लोग, ये फली और आलू की सब्ज़ी और रोटी और दाल, ठीक है। तो सो गाइस नहा लिया है मैंने जस्ट अभी, थोड़ा सा रेडी वेडी हो गई हूँ मैं, लिप बाम लगा लिया है और अभी मैं फ्राई कर रही हूँ ये फली जो मैंने काटी थी तभी। तो रेसिपी वगैरह नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि सब लोगों को आती होगा ये बनाना। तो जल्दी से मैं इसको फ्राई करती हूँ, दाल रखती हूँ, चावल बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, फिर आप लोगों से। तो देखिए मैंने सब्जी फ्राई कर दी है और अभी से ही बहुत यमी लग रही है। अभी इसको मैं कम से कम 15-20 मिनट ढक कर पकाने वाली हूँ तो ये अच्छे से पक जाएगी। तब तक मैं अभी दाल भी चढ़ा देती हूँ, चावल चढ़ा देती हूँ, आटा वगैरह गूंथ लेती हूं। रेडी हो चुका है हमारा खाना। तो आज खाने में मैंने बनाई है रोटी, दाल और ये बरबटी की फली और आलू की सब्जी और चावल भी है साथ में। तो चलिए अब हम लोग खा लेते हैं खाना
और फिर मिलते हैं आपसे। ओए लंगड़ लंगड़ के कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? जो एकदम बूढ़े हो जाते हैं, कैसे चलते हैं वैसे चल रहे हो? इतना शौक है वीडियो बनाने का, बाप रे, इतने पैशनेट काम के लिए इतना पैशन, क्या इधर तो देख लो, बाप रे इधर तो देखो। रेडी हो गई हूँ मैं थोड़ी बहुत, और अभी जा रहे हैं ऊपर छत पर वीडियोस रील्स शूट करने के लिए। अरे यहीं बनाते ना, अभी चार दिन से थोड़ा ज्यादा क्या काम करने लग गई है ये, तो आजकल मेरे को पता है किसी से जवाब देने लग गई है। क्या जवाब दिया मैंने? अभी क्या जवाब दिया तूने? मैंने आपको बोला थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ड वर्क। देखा, हाथ सच में आप मेहनत करते हो तो हाथ गाल पर लगने लग गया। तो क्या पहले नहीं लगते थे? मेरे बेटू आप, मेरे बेटू, मेरे बुंगलो, मेरे चुंगलो, सॉरी। चलो देखा, इसलिए वो वाला एक वो किस्सा था ना कि बीवी को आगे बढ़ा दिया और फिर लपड़ा हो गया। मेरा तो ऐसा तो नहीं होगा मेरे साथ में कहीं। नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा ना, प्रणाली ऐसी है, आपको ऐसा लगता है? नहीं लगता नहीं, इसलिए तो मेहनत कर रहा हूँ। आपकी प्रणाली सिर्फ आपकी है, ठीक है? और यार जो भी हूँ मैं आपकी मेहनत की वजह से हूँ बेटा। अच्छा, ये इसको नोटेड करके रखना पड़ेगा। आयता मिला है, इनकी मेहनत है सब कुछ। नहीं भाई तू है तो मैं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत हो गई एक दूसरे की तारीफ, चलो चलते हैं। The next morning. सुबह सुबह का टाइम है, 6:30-7 हो रहा है, और मैं आज आ गई हूँ एरोड्रम। हमारे यहाँ पर ये ऐसा बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पर हर सुबह सभी लोग मॉर्निंग वॉक वगैरह करने के लिए आते हैं, एक्सरसाइजेस करने के लिए आते हैं। तो आज से शुरुआत हो गई है मेरी भी। वैसे मुझे बहुत जल्दी आना था, उठ भी गई थी, लेकिन मैं इतना कन्फ्यूज थी कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि ना ऐसे अकेले मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ। हाँ, ओह गॉड, तो मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही थी कि मैं जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, लेकिन आज फाइनली मैं निकल गई हूं, तो अच्छा भी लग रहा है और अकेली हूं थोड़ा तो अटपटा भी लग रहा है। एनीवेज चलिए एक राउंड लगाते हैं, उसके बाद फिर मिलती हूं। एवरीवन, सो अभी मेरे कुछ पार्सल आए हैं जो मैंने अमेज़न से मंगवाए थे, तो चलिए वो ले लेते हैं। तो गाइज, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैंने अमेजन से क्या मंगाया है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। तो फिलहाल के लिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। यस, मैंने आज कुछ चीज नई करने की शुरुआत की है, आई होप कि मैं उस पर चल पाऊँ। और हमेशा जो चीज मैंने आज रूटीन में लाई है वो मेरी रूटीन हमेशा ऐसी चलती रहे, बल्कि इससे और ज्यादा अच्छी हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ऑल्सो हम लोग अभी नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा कि हम लोग जा रहे हैं बैतूल, और बहुत स्पेशल रीजन है क्यों जा रहे हैं, आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तब तक की थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और ओके मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज, बाय।